फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए। मैं सिलीगुड़ी में मौजूद इंटरनेशनल मार्केट में, बस बस हाँ हाँ चल रहे हैं, ले चलेंगे, हाँ हाँ ले चलेंगे, ले चलेंगे अयोध्या ले चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज इंटरनेशनल मार्केट सिलीगुड़ी में मैं मौजूद, तमाम सारे लोग बातचीत कहने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनकी बात जरूर सुनना चाहूंगा। लेकिन एक मुद्दा जरूर है जिसको कि मैं सांसद साहब और टीएमसी के प्रवक्ता, कांग्रेस और जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से मौजूद है उनके बीच में रखूंगा, लेकिन एक दो लोगों से जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ। प्रणाम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा हाँ। क्या उम्र हो गई आपकी? हम उम्र ज्यादा नहीं, 103 है, 103। हम सबको नचाया हुआ, सब मंत्रियों को, सब मंत्रियों को नचाया हुआ। कितने? 103 साल। हाँ 103, दिल्ली में सबको नचाया हुआ। अरे अरे यादव जी, एक कप चाय ला के दीजिए, फटाफट चाय लाओ, चाय लाओ। प्रणाम करता हूँ, आप बैठो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। और 103 साल में क्या पूछेंगे, क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? कहना तो बहुत चाहते हैं, टाइम ही नहीं है। अच्छा कुछ कह लीजिए, चलिए बोलिए, क्या कहना है? कहना पीछे चला गया, चला गया पीछे। तो अब आप एक काम करिए, चाय पीजिए, मैं आता हूँ, तमाम बातचीत करने का सिलसिला। जी क्या नाम हो गया साहब आपका? इनके बाद हम जाएंगे। अच्छा इसके बाद आप जाएंगे? अच्छा बीजेपी के चेंज होंगे, जब सांसद जाएंगे तो वो आएंगे। जी कैसे हैं भैया जी? आप, मैं आपका बहुत बड़ा प्रसंग हूँ, आप एक मिनट का टाइम दीजिए। नेता लोग को तो आप 5 साल ही टाइम देते हैं। आज से 20 साल पहले बिहार में जंगल रास्ता, वहाँ पे कोई इलेक्शन टाइम पर नहीं होता था, बूथ लूट होती थी। 20 साल पहले, जब से 20 साल से वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है, वहाँ पे कोई बूथ लूट नहीं होता, कोई चुनाव में कोई नहीं होती। बंगाल में हमारे यहाँ लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। 10 साल में यहाँ पे कम से कम 1000 लोगों की मौत, हत्या हुई है चुनाव के चक्कर में, हजारों लोगों की। जी जी जी, आपका कुछ कहना चाह रहे? जी ये क्या बोल रहा है भाई, बंद कर दिया, मुंह से बोलना ही बंद कर दिया। कहाँ से बोल रहे हो आप, क्या झूठ बोल रहे हो? यहाँ 10 सालों में इतने लोगों की मौत होती है। आज आप भैया जी, आप पूरे हिंदुस्तान में शो करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में शो। यहाँ पे लोगों को जितना डर का माहौल है, बिहार में कितनी जगह गए हैं पूछिए, बिहार में कितनी जगह, कितने जिले हैं, कितने शहर है पूछिए। तो बिहार में सुनो, बिहार में आज भी जंगल राज है। अभी 3 दिन पहले मधुबनी के पास जो नरसंहार हुआ है वो किस बात का संकेत देता है? ये डबल इंजन की सरकार ने बिहार में जो नरसंहार अभी हुआ है उसके लिए कुछ करे? और यहाँ की कानून व्यवस्था देश की सर्वश्रेष्ठ कानून व्यवस्थाओं में एक है, इस पर उंगली उठाना। जनता देखिए, जनता सच बोलती है, और 34 साल तक बंगाल को सीपीएम ने लूटा, और पिछले 10 साल में टीएमसी ने पीटा, और यहाँ गुंडा राज की सरकार चल रही है। लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हुए हैं, लोग अपने संविधान का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। आपको पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर के चलना पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल की सच्चाई। और इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता वर्सेस टीएमसी है, ना कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी। मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि साइलेंस। देखिए जिसकी आवाज थोड़ी सी धीमी है उसके लिए आपको सुनना चाहिए। और छेत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि जो हमारा प्रिय भाई राजू बिष्टजन जो कहा था कि 17 के आंदोलन में 13 लोगों को शहीद किसने बनाया, टीएमसी ने बनाया, जो बोला था ना। देखिए उस वक्त उस टाइम में आपका लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू दिखाकर सीआरपी किसने भेजा है? और देखिए बीजेपी ने, हम लोग ने इतना विश्वास किया बीजेपी को, और बीजेपी ने हम लोग ने बीजेपी को विश्वास किया था कि हमारा दोस्त केंद्र में मजबूत है और वो हमें कुछ ना कुछ करेगा बोल के हमने बीजेपी पर विश्वास करके, उन पर भरोसा करके एक आंदोलन किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, झूठा वायदा किया। आज तक बीजेपी ने बंगाल में गोरखा के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी ने गोरखा के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं इतना कहता हूं, लास्ट में खेला हो भी नहीं, खेला हो गया।
होवे नहीं, खेला होएगे छे जी। आ रहा हूँ। अरे मैं आपका स्वागत करता हूँ इस इंटरनेशनल मार्केट के, आप अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। साहब क्या नाम, कुछ कहना चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी की जो पार्किंग प्रॉब्लम है सबसे जल्दी उसकी निराकरण जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ। हाँ जी, अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको, हमारे राजू विश साहब यहाँ खड़े हैं, शायद ये भूल गए 15 साल से कंटिन्यू इन गोरखाओं ने जिताया है। ये जो बीजेपी की सीट है ये गोरखाओं की है, और मोदी जी का वो अच्छा दिन का भाषण याद आता है। आज इंडिया में लगभग उनके गुजरात सूरत जहाँ हमारा भी व्यापार है, व्यापार 12 बजा हुआ है, इतनी बुरी हालत है। और ममता दीदी की सरकार ने यह शांति और सुकून दिया है। बीजेपी यहाँ आके सिर्फ डिस्टर्ब किया है, गोरखाओं को गुमराह करके 120 दिन तक बनता। देखिए, इन्होंने मुझे लगता है व्यापार की बात की, मेरा इनसे सवाल है। देखिए, हड़िए इधर आइए, बढ़िए, आप बढ़िए। मुझे जानता